किस तरह की मस्ती होने वाली है वो तो आपको एपिसोड देख के ही पता लगेगा। हम जो आप माइक नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो छोटे उस्ताद हैं यहाँ पे क्या मस्ती हुई है बताओ। बहुत सारी मस्ती। क्या क्या किया? नाचे मैंने तो नाचे और आपने मुझे डरा भी दिया। कैसे डराया मैंने? हाँ मैंने कुर्सी के ऊपर खड़े होकर इनको नाचना सिखाया जो बहुत ही अद्भुत कला है जो मैं भी सीख रहा हूँ आजकल कुर्सी के ऊपर खड़े होकर नाचना। और क्या किया मैंने तुझे और क्या सिखाया? नहीं इसने मेरे सीलिंग फैंस के फियर को हटाया। मुझे एक्चुअली सीलिंग फैन से थोड़ा डर लगता है तो इन्होंने मुझे नए तरीके सिखाया मैं सीलिंग फैन से कैसे ना डरूं। और मैंने एक्चुअली सबको बताया कि ये परिणीति चोपड़ा से कितना प्यार करते हैं। तो क्या आप सच में प्यार करते हो परिणीति चोपड़ा से? आपने कितनी मस्ती की थी? इनकी बात मत सुनो ये झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन अगर आपकी फिल्म की बात की जाए फाइंडिंग फनी की तो उसके अंदर आपने तीन टैटू बनाए जो कि ट्विटर पे आपने जी 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 मैंने हाँ होमी ने जी 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 तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की फिल्म होगी? ट्रेलर कल रिलीज हुआ आई एम श्योर आप सबने देखा होगा ट्रेलर। थोड़ी मैं हटके नहीं कहूँगा लेकिन अनोखी फिल्म है इन दैट सेंस। पूरी अंग्रेजी में थोड़ी कोंकनी भी है हिंदी डब वर्जन भी होगा पिक्चर का लेकिन हमने शूट बाकायदा पूरी इंग्लिश में की है। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। पाँच अजीबोगरीब लोग जो एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं जो सिर्फ 2 घंटे की जर्नी है लेकिन उसमें 2 दिन लग जाते हैं और इसके दौरान वो कैसे अपनी आपस की प्रॉब्लम्स को सुलझा पाते हैं कैसे अपने आप को ठीक से समझ पाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे मौका मिला है बहुत ही दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का नसीरुद्दीन शाह पंकज कपूर डिंपल कपाड़िया दीपिका एंड ऑफकोर्स होमी अडेजानी जिन्होंने बींग साइरस और कॉकटेल बनाई है। तो मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। गोवा में शूट की 40 दिन ये मैं कहूँगा पहली पिक्चर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था हमने किधर शूट किया क्या किया। हमने 40 दिन कंटिन्यू जाके पिछले साल शूट करके हम आ भी गए थे वापस तो बहुत मजा है। तेवर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमारा लास्ट शेड्यूल है इस महीने में 15-20 दिन का जो काम बचा है वो खत्म हो जाएगा तो फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी। रिलीज़ साल के अंत में होने वाली है पिक्चर तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इमोशनल एक्सपीरियंस रहा है टू वर्क विद माई होम प्रोडक्शन विद माई अंकल एंड माई फादर सोनाक्षी के साथ मनोज वाजपेयी के साथ अगेन 2 वेरी गुड एक्टर्स एंड ऑफकोर्स माई डायरेक्टर हुआ रियली लव अमित शर्मा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह एक कमर्शियल एंटरटेनर को नए तरीके से दर्शाने की कोशिश की है तो जब समय आएगा तो और डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में।